भाई भैया को पता नहीं अपनी आरआर की पावर। भैया हम सर वैगनार पर रेस कर रहे हैं अभी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 3 2 1। What's up guys, welcome back to my YouTube channel. So finally हम एक छोटी सी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं आज, और मतलब तैयार हो गया, सभी तैयार हो गए, सभी लोग जा रहे हैं, और अपने साथ फ्रोजन भी जा रहा है। ड्यूक को नहीं लेके जा रहे हम, क्योंकि यार कार बती जगह नहीं, और मैं ना बाइक में जा रहा हूँ, और फ्रोजन भी जा रहा है हमारे साथ। ये रहा हमारा फ्रोजन, चलो बाहर, चलो आ जाओ, चलो बाहर। सो ड्यूक को नहीं लेके जा रहे क्योंकि ड्यूक के लिए ना जगह नहीं है, मतलब इसमें पीछे से, क्योंकि दो लोग तो पहले से ही है, और ड्यूक यहीं रहेगा क्योंकि घर पर भी कोई होना चाहिए। सो ड्यूक घर की रखवाली करेगा। सो हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको अभी वो आगे बताऊँगा, अभी यहाँ पर पैकिंग वगैरह चल रही है। और ड्यूक तो कहाँ घुस रहा है गाड़ी के नीचे, बाहर है वहाँ से ड्यूक को। तो ड्यूक को समझ आ गया कि हम कहीं जा रहे हैं और उसको नहीं लेके जा रहे हैं। देखो गाड़ी में पहले इतना सारा सामान हो गया, और फ्रोजन तो चलो छोटा सा तो यहाँ पे बैठ जाएगा, और फ्रोजन के साथ भाई बैठ जाएगा। तो अभी पहले अपनी बाइक थोड़े स्टार्ट करते हैं, कोल्ड स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक को। बाइक वाइक सब कुछ साफ कर दिया मैंने, और मैं जी से फर्स्ट टाइम लेके जा रहा हूँ इतनी दूर। ये वाला बटन दबाओ बस, हाँ और कुछ मत दबाइए, न्यूट्रल ना, हाँ ठीक है, दबा दबा, थोड़ी रेस दे, नहीं जाएगी नहीं जाएगी। बस 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 बस। और इसमें ये फ्लैग ये मेरे को दिया था अंकित भाई ने, तो मैंने ये फ्लैग यहाँ पे लगा दिया, मेरे को समझ नहीं आएगी ये कहाँ पे लगाना है। घूमी घूमी जाएगी फ्रोजन, घूमी घूमी जाएगी फ्रोजन। हेलो कर दो भैया को, हेलो कर दो, हेलो कर दो, जल्दी हेलो कर दो, गुड बॉय। तो ड्यूक देखो, ड्यूक गाड़ी के नीचे घुसा हुआ है। ड्यूक बाहर आओ, ड्यूक जल्दी आओ, जल्दी आओ, ड्यूक को अगली बार लेके जाएंगे, ठीक है ड्यूक, ड्यूक को अगली बार लेके जाएंगे हम। इस टाइम हम फ्रोजन को लेके जा रहे हैं क्योंकि दोनों को ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो आज हम फर्स्ट टाइम लेके जा रहा हूँ मतलब अपनी बाइक को इतनी दूर, और 5-6 दिन का मतलब एक हफ्ते का प्लान है हमारा। सो एक हफ्ते हम घूमेंगे अपनी बाइक पे, बाकी घर वाले कार में जा रहे हैं, और हमारे साथ फ्रोजन भी जा रहा है। सो फ्रोजी चलो इसको भी पानी वानी पिलाता हूँ, और अपना हेलमेट का सेटअप करता हूँ फटाफट से, क्योंकि अब हम बस निकलने वाले हैं यहाँ से। सो गाइस टाइम 9:15 हो गए, और हम घर से निकल गए यार, और गर्मी भी इतनी ख़तरनाक हो रही है ना। पहले यार सुबह निकलने का था, बट मम्मी पापा लोग सब लोग जा रहे हैं, तो वो लोग कार में जा रहे हैं। सो 8:30 बजे का सीन था उनका निकलने का, तो मैंने सोचा चलो साथ में निकलते सब लोग। सो वो लोग तो कार में निकल गए, वो दूसरे वाले रास्ते से जा रहे हैं, और हम मेन हाईवे से जा रहे हैं। और भाई इतना ख़तरनाक ही ट्रैफिक हो रहा है ना अभी यहाँ पे, तो फिर भी कम है, जब पीछे से आया रिस्पना वाली साइड से तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक था। सो आज हम जा रहे हैं टिहरी, और काफ़ी टाइम से प्लान था यार कि टिहरी जाना है, टिहरी जाना है, बट जा नहीं पा रहे थे। तो फाइनली आज सब लोग जा रहे हैं, घर वाले भी और सब लोग, बस ड्यूक को नहीं लेके आ पाए, बस वही एक बुरा लग रहा है, क्योंकि ड्यूक को यार गाड़ी में बिठा नहीं सकते। चलो कोई नहीं, बट नेक्स्ट टाइम ड्यूक को लेके जाएंगे, इस टाइम हम फ्रोजन को लेके जा रहे हैं यार, क्योंकि फ्रोजन थोड़ा छोटा है और भयंकर शैतान है वो मतलब किसी और के साथ रहता भी नहीं है। बाकी मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई पीछे, अभी उसके पता नहीं क्या ही रिएक्शन होंगे। वैसे मैंने उसको हेलमेट पहना रखा है, और हेलमेट ना पीछे वाले के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि पीछे वाली सीट है जो थोड़ी ऊपर है, और बहुत ज़्यादा विंड आती है, सो आँखों से पानी वानी ये सब चीज़ आता है। सो हेलमेट पीछे वाले के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से बचाता है मतलब हेलमेट। बाकी अभी हम हैं यही ऋषिकेश वाली रोड है जो हमारी मेन टोल वाली रोड, उसी में है। सो हम यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे, उसके बाद हम नरेंद्र नगर जाएंगे, और उसी वाले रूट से जाएंगे हम टिहरी, क्योंकि वाला रूट बहुत सही है। करते रेस कर रहे हैं वैगनार से। तो भैया ने मुझे दिखाया थम्सअप, और उसके बाद थम्सअप डाउन कर दिया। भैया को पता नहीं अपनी आरआर की पावर। भैया हम सर वैगनार पर रेस कर रहे हैं अभी, आ रहे पीछे से, देखो अभी फिरते रेस करेंगे। ये देखो
राइट सो बॉयज 10:17 हो गए और यार हम नरेंद्र नगर पहुंच गए। इतनी खतरनाक धूप हो रही है ना, बस ये सही है यहाँ पे कि रोड बहुत सही है यहाँ की, तो हम डिस्टेंस जल्दी कवर कर सकते हैं अपना डिग्री तक का। बाकी अभी हम एक थोड़ा वैसी जगह ढूंढ रहे पानी वाली, मतलब पानी वानी मिल जाए जहाँ पे शॉप वगैरह कोई, तो वहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि कंटिन्यूस तब से मैं बाइक चला रहा हूँ देहरादून से ही, सो वहीं पे पानी वानी का ब्रेक लेते गाइस। हम आगरा खाल में रुके थे, वहाँ पे हमने मतलब कुछ खाया वाया था और थोड़ा रेस्ट किया था और मम्मी लोगों का भी वेट किया था क्योंकि वो लोग भी कार से आ रहे थे। बाकी अभी मेरे साथ मेरी बहन आ रही थी तो वो भी कार में चले गई और अब मैं अकेले राइड कर रहा हूँ। सो अब थोड़ा बाइक हम भगाएंगे क्योंकि यार तब से मैं बहुत आराम आराम से ही चला रहा था। एंड भैया भाभी लोग भी थे हमारे साथ, वो ऋषिकेश से आए थे, सो वो लोग थोड़ा आगे निकल गए तो मुझे, मैं उनके पास जाता हूँ मतलब फटाफट से उन्हें पकड़ता हूँ। बाकी भाई धूप इतनी सही हो रही है ना भयंकर, मैं उबल गया हूँ पूरा हेलमेट के अंदर, ऐसा लग रहा है कि हीटर वीटर के ऊपर बैठा हुआ मैं। सो इसके बाद आएगा चंबा एंड चंबा से होगा मतलब हाफ एन आवर का डिस्टेंस मेरे घर तक बीपुरम में जो घर है मेरा। सो आज मुझे वहीं स्टे करना है एंड आज हम थोड़ा सा जगह वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। सो आपको मज़ा आएगा, अभी आगे आप देखते रहो मतलब आप आगे ब्लॉग देखते रहो आप। सो बॉयज हम चंबा पहुँचने वाले हैं और यार ये रोड ना मेरी फेवरेट रोड हुआ करती थी, सो मैंने सोचा कि आपको भी ये रोड दिखाई जाए। देखो इतनी मस्त रोड है ना, पूरी चौड़ी रोड है और लीन करने के लिए इतनी सही रोड है। भाई काफ़ी टाइम बाद मैं इस रोड पे आ रहा हूँ ना भाई, बहुत सही लग रहा है। पहले मैं आता था स्कूटी से तो मैं स्कूटी भी पूरी पूरी लीन करता था यहाँ पे, अब तो मैं फिर भी अपनी बाइक पे आ रखा हूँ, बीस्ट में आ रखा हूँ, अपने घोड़े पे आ रखा हूँ। ऑलराइट सो बॉयज मैं पहुँच गया हूँ टीरी और देखो मेरे लेफ्ट में टीरी लेके, मैं अभी आपको आगे से दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ से सही व्यू नहीं आ रहा है। सो ये रहा अपने लेफ्ट में पूरा टीरी लेक यहाँ से, एंड आप लेवल देख सकते हो यार पानी का कितना कम हो रखा है आजकल। अपने लेफ्ट में देखो ये कितने सही से हट्स दिख रहे हैं, अभी आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा। सो कल हम इस जगहों का एक्सप्लोर करेंगे, आज हम पहले जो सस्पेंशन ब्रिज है जहाँ पर लाइट्स जलती है शाम को वहाँ जाएंगे, क्योंकि भाई 12:17 होगा यार, मतलब 12:30 होने वाले हैं और हम घर से निकल गए थे अराउंड 9 बजे के आसपास। सो हम बीच में रुक रुक के आए थे क्योंकि मेरे साथ बहन भी बैठी थी पीछे, तो उसकी वजह से मैं बाइक भी धीरे चला रहा था और मम्मी पापा लोग भी आ रहे थे तो उनके साथ साथ ही चल रहा था मैं। बाकी बस मैं अब पहुँच गया हूँ टीरी लेक और शाम को अब हम जाएंगे जो सस्पेंशन ब्रिज है डोबरा चाटी वाला जहाँ पर लाइट जलती है वहाँ पे 4:30 और हम यहाँ पे कितने बजे पहुँचे थे 1 बजे के आसपास ना, 12:30-1 बजे हम पहुँच गए थे, उसके बाद हम रेस्ट कर रहे थे सबके सब और अभी हम बाहर आए, अब हम जा रहे हैं डोबरा चाटी के पास। अभी पापा नीचे डैम दिखा रहे हैं इनको, अंदर कब लेके जा रहे हो अंदर? अभी तो हम परमिशन नहीं है आजकल, अभी परमिशन नहीं है, अभी परमिशन नहीं है, आपको अंदर का भी दिखाऊंगा मैं। जब ब्रिज में लाइट जलनी शुरू भाई, 7:30 हो गए और सकल की ना बैंड बज गई, हम अभी डोगरा चाटी पुल में और हम इसकी लाइट जलने का वेट कर रहे हैं। वैसे लाइट तो जल गई शायद, जल गई, जस्ट अभी जली है। मैं दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ थोड़ा सा आगे, जब गाड़ी पहुँच जाएगी ना ब्रिज पे फिर दिखाता हूँ। ओ रोक तो रखिए, दिखाए फिर ये स्कूटी वगैरह तो अभी, और यहाँ पे शायद गाड़ी रोकना अलाउड नहीं है, सो गाड़ी हम यहाँ पे नहीं रोकेंगे, गाड़ी हम दूसरी साइड रोक के फिर हम यहाँ पे आएंगे पैदल पैदल। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 3, 2, 1 चिल्लाओ चिल्लाओ, जो ऐसे भी नहीं, मैं आपको थोड़ा और ढंग से दिखाता हूँ।
लाइट ना ब्रिज के मतलब पास से नहीं दिखती ढंग से, अगर आप दूर से देखोगे तो फिर ज्यादा सही लगती है। देखो मैं आपको बता रहा था ना, पास से मतलब जब हम ब्रिज के पास में थे तब नहीं दिखती थी लाइट ढंग से, अभी देखो दूर से ज्यादा सही लगी है। ये देखो, देखो यहाँ से देखो इधर, वो ब्रिज के पास से इसलिए नहीं दिखती ना लाइट वहीं पे लगी हुई है, और दूर से देखो ना ज्यादा सही लगता है ये। हाँ दादाजी कैसी लग रही है आपको लाइट? गाड़ी देखो मैं कह रहा था ना दूर से ज्यादा अच्छा लगता है ये।